पुलिस मुख्यालय की क्राइम ब्रांच की टीम ने कोयला चोरी और मिलावट के बड़े रैकेट का खुलासा किया है। ये रैकेट विदेश से आने वाले उच्च क्वालिटी का कोयला चोरी कर नकली कोयला मिलाता था और ऐसे में क्राइम ब्रांच और पुलिस ने कोयले में मिलावट के इस खेल का पर्दाफाश कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान पुलिस मुख्यालय की क्राइम ब्रांच इन दिनों सुपर एक्टिव मोड में है। जैसलमेर में 30 करोड़ से अधिक की हेरोइन पकड़ने के बाद क्राइम ब्रांच ने कोयला चोरी के बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है। मारवाड़ क्षेत्र के बाड़मेर, बीकानेर, जालौर, जोधपुर ग्रामीण और आयुक्तालय सहित पाली जिले में कुल 13 जगहों पर जिला पुलिस के सहयोग से क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई की है। इस करतूत से जुड़े लोग फिल्मी स्टाइल में कोयला चोरी कर रहे थे। गिरोह ने हाईवे पर कई जगह गोदाम भी बना रखे थे। इन गोदामों से करीब 1850 टन कोयला बरामद किया गया है। वहीं कोयले के बड़े स्टॉक के साथ कई वाहन और उपकरण भी जब्त किए गए हैं। मिलावटी और उच्च क्वालिटी का 1850 टन कोयला बरामद, 13 ट्रेलर, 5 जेसीबी, 5 ट्रैक्टर लोडर, 2 स्कॉर्पियो, 1 कैंपर गाड़ी, 7 धर्म कांटे, 3 कटर मशीन, 2 डीजल मशीन, साथ ही सील और वायर पैकेट्स भी जब्त किए गए हैं। कोयले के इस काले कारनामे को लेकर 11 प्रकरण दर्ज किए। इसके साथ ही कोयला चोर गिरोह के 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया। क्राइम ब्रांच एडीजी दिनेश एमएन को हाईवे पर उच्च क्वालिटी का विदेशी कोयला चोरी कर मिलावट करने के इनपुट मिले थे, जिसके बाद एडीजी दिनेश एमएन के निर्देश पर बीते एक महीने से इस ऑपरेशन की तैयारी की जा रही थी। वहीं क्राइम ब्रांच डीआईजी राहुल प्रकाश ने बताया कि कोयला चोर गिरोह के लोग 20% उच्च क्वालिटी का कोयला निकालकर उसमें खराब कोयला मिक्स कर हेराफेरी कर रहे थे, जिसका खुलासा कर लिया गया है। एमएन दिनेश सर, एडीजी क्राइम जो हमारे हैं, उनके पास कुछ लोग आए थे जिन्होंने किस विषय में सूचना दी कि जो पोर्ट्स पे विदेशों से कोयला आता है और जिसको ट्रांसपोर्ट के माध्यम से विभिन्न राज्यों में भेजते हैं, जिसमें कि बिहार, यूपी, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल तक जाता है हमारा कोयला, और जो आता है वो यूएसए से, रशिया से, फिलिपाइन से, इन जगहों से इम्पोर्ट करते हैं, क्योंकि काफ़ी कैलोरीफिक वैल्यू उसकी काफ़ी ज़्यादा होती है, एनर्जी कंटेंट उसमें ज़्यादा होता है, और उसकी चोरी की जा रही रास्ते में। अलग अलग बड़े बड़े गोडाउंस बने हुए हाईवे के साथ, जिसमें कि हमारा माल 20% के आसपास उतार लिया जाता है और फिर उतना ही खराब क्वालिटी का कोयला जो होता है, लोकल कोयला जो कहीं से निकलता है, उसको भर दिया जाता है। वहीं डीआईजी राहुल प्रकाश ने बताया एक महीने से ये रैकेट क्राइम ब्रांच के रडार पर था। अभी तक कितना कोयला चोरी हुआ और इस धंधे का मास्टरमाइंड कौन है, इसको लेकर आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस को गिरोह का नेटवर्क दूसरे राज्यों में भी फैले होने की आशंका है। लगभग 1850 टन कोयला ऐसा बरामद हुआ है, चोरी किया हुआ। उसके साथ में लगभग 30 गाड़ियां बरामद हुई हैं, 11 मुकदमे दर्ज हुए हैं, 22 लोग गिरफ्तार हुए हैं, तो एक बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। और अब हमारा इसमें कोशिश जो रहेगा वो ये रहेगा कि फाइनली ये चोरी का कोयला जाता कहाँ था, किसके पास जाता था, कौन से इसके किंग पेन है, ऑर्गेनाइज्ड किस तरीके से इसको करके चला रहे थे इतने सालों से, और उस पूरे बात की जांच करके तय तक इसके पहुंचने की कोशिश की जाएगी। एडीजी दिनेश एमएन के क्राइम ब्रांच में आने के बाद क्राइम ब्रांच टीम फ्रंट फुट पर नजर आ रही है। पहले जैसलमेर में हेरोइन और अब कोयला चोरी गिरोह पर एक्शन के बाद ये तय है कि आगामी दिनों में इस तरह के कई और एक्शन देखने को मिलेंगे। शिवेंद्र सिंह परमार, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए।